हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सेंट्रल इंडिया के जो अननोन प्लेसेस हैं या जो लीस्ट नोन प्लेसेस हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सेंट्रल इंडिया में जो स्टेट्स आ रहे हैं वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी अननोन प्लेसेस हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगी और सारे प्लेसेस का डिस्क्रिप्शन पूरे अच्छे तरह से मैंने देने की कोशिश की इन वीडियो में। तो पहले आ रहा है मध्य प्रदेश का ये पातालकोट। अगर आपने मेरा पहले जो वीडियोस था जो ईस्ट इंडिया का था और वेस्ट इंडिया का था देखा होगा, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि सभी जगहों के मैंने उनके बारे में, वहाँ के जो लोकल साइट सीइंग रहते हैं, कैसे पहुँचना है अगर आप बाय एयर जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, और कब जो बेस्ट समय रहता है वहाँ पे जाने के लिए, सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दे दिया हुआ है। और इस वीडियो में भी मैंने यही कोशिश की है। तो उसके बाद ये आ रहा है मध्य प्रदेश का सागर। और उसके बाद ये है जगह आसिरगढ़ फोर्ट। ये जो किला है इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर ही एक गुरुद्वारा है, एक मस्जिद है और एक मंदिर भी है। और एक जो यहाँ की लोक कथा है उसमें सुनने को आया है कि अश्वत्थामा, जो कि महाभारत में एक योद्धा थे, वो अभी तक वहाँ पे घूमते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। उसके बाद ये है हनुवंतिया आइलैंड। बहुत ही सुंदर आइलैंड है। और आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे जल महोत्सव होता है, जिस समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। और ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब टेंट्स भी बने रहते हैं, जिसका रेंट शायद अलग अलग रहता होगा। वहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे जो जल महोत्सव के टाइम पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी एंजॉय करते हैं। और फिर ये आता है मांडू, जिसको कि पहले माधवगढ़ के नाम से जाना जाता था।
और फिर यह है धार, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है मध्य प्रदेश में। फिर यह है चंदेरी। चंदेरी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ की साड़ियाँ बहुत ही फेमस रहती हैं, अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो एक साड़ी तो ज़रूर खरीदिएगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे घूमने की जगह हैं, और अगर आपने वो फिल्म देखा होगा तो जहाँ से वो लोग ये स्टोरी लिए थे वो ट्रू स्टोरी था, और ये है उसका स्टैचू। फिर अभी हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो जगह है, जो पहले की है सिरपुर। और फिर यह है डोंगरगढ़। यहाँ पे जो माँ बाम्बलेश्वरी देवी का मंदिर है वो 1600 फीट की ऊंचाई पे है, जो करीबन 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। अगर आप लोग सीढ़ियों से ना जाना चाहें तो यहाँ पे रोपवे की भी सुविधा है। डोंगरगढ़ में मंदिर के अलावा यहाँ पे बहुत सारे मस्जिद हैं, चर्च हैं, और जैन लोगों के मंदिर भी बहुत सारे हैं। और ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ एक तस्वीर, ये है प्रयागगिरी। और ये है जगदलपुर।
और फिर आता है ये तीरथगढ़ वाटरफॉल्स, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। ये वहाँ का जो कुटुमसार केव है उसके अंदर की तस्वीरें हैं। फिर ये है माडकू द्वीप। माडकू इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये द्वीप जो है, मतलब आइलैंड, वो फ्रॉग के शेप का है। तो इतने ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिले थे सेंट्रल इंडिया के जो अननोन प्लेसेस के बारे में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।